भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी है वेस्ट इंडीज की, जहां इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच काफी रोमांचक और जबरदस्त सीरीज खेली जाएगी भारत में ही, जहां वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया 2022 यानी कि वेस्ट इंडीज का भारत दौरा स्टार्ट हो चुका है। अब यह सीरीज 6 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली है, जो 20 फरवरी 2022 तक खेली जाएगी, जहां पर वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया के बीच सबसे पहले 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद आखिर में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हारकर आ रही है, जहां टेस्ट सीरीज टीम इंडिया 2-1 के अंतर से हारकर आ रही है, तो वहीं ओडीआई सीरीज टीम इंडिया 3-0 के बड़े अंतर से हारकर आ रही है। यानी कि ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया का व्हाइट वॉश हो गया था, क्लीन स्वीप हो गया था, तो टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में हुए खराब प्रदर्शन को भुलाकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी, जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली इस T20 और ओडीआई सीरीज में हमें देखने को मिलने वाले हैं रोहित शर्मा, जो कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे। जहां साउथ अफ्रीका दौरे पर ओडीआई सीरीज में केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा इंजर्ड थे, लेकिन अब रोहित शर्मा वापसी करते ही कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे, तो सभी भारतीय फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच सबसे पहले 3 ODI मैचों की सीरीज है। पहला ODI मुकाबला 6 फरवरी 2022 संडे को खेला जाएगा, दूसरा ODI मुकाबला 9 फरवरी 2022 वेडनेसडे को खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी ODI मुकाबला 11 फरवरी 2022 फ्राइडे को खेला जाएगा। अभी तीन के तीनों ही ODI मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से यानी कि 1 PM से शुरू होने वाले, और ये तीन के तीनों ही ODI मुकाबले एक ही मैदान एक ही वेन्यू पर खेले जाएंगे, वो है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो आखिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या होने वाली है भारतीय टीम, इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच सबसे पहले 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी और आखिर में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास प्रोबेबल यानी कि संभावित टीम स्क्वाड भी आ चुका है कि आखिर किन किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं ODI सीरीज के लिए क्या होगी भारतीय टीम का स्क्वाड। रोहित शर्मा कप्तान, शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल वाइस कैप्टन, जो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे इस सीरीज में, जबकि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, तो वहीं ईशान किशन युवा विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, तो वहीं युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ODI मैचों की सीरीज के लिए ये रहा भारतीय टीम का स्क्वाड। वैसे तो ये संभावित टीम स्क्वाड है, लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि भारतीय टीम का यही ऑफिशियली स्क्वाड भी होने वाला है। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ODI सीरीज के लिए रोहित शर्मा की वापसी होने जा रही है, जबकि मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज की भी इस सीरीज में वापसी होगी, जबकि टीम में वाशिंगटन सुंदर भी खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां इससे पहले साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुने गए थे, लेकिन COVID-19 की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सीरीज के लिए भी हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं है, हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, जबकि रविंद्र जडेजा अभी तक 100% फिट नहीं हुए हैं। अगर सीरीज स्टार्ट होने से पहले फिट हो जाएंगे तो शामिल कर लिया जाएगा जडेजा को, वरना फिर साउथ अफ्रीका के बाद अब वेस्ट इंडीज सीरीज भी मिस कर देंगे। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।